गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकेडमी गाइज कैसे है सब बच्चे हाउ आर यू एवरी वन कैसे हैं ओके सो वी आर फाइनली लाइव विद बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन ठीक है जी सो वी आर लाइव बेटा जी विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन राइट ओके ठीक है जी तो कल बेटा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया था है ना हमने इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज देखी थी वी सॉ दैट इन दिस देर आर सर्टेन पीपल देर आर सर्टेन साइंटिस्ट बेटा जिन्होंने इसको क्या किया क्लासिफाई uh, किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और जो सबसे एक्सेप्टेबल था वो कौन सा था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है जी अब इस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने कल स्टार्ट कर लिया था इनफैक्ट कंप्लीट कर लिया था मोनेरा कल हमने Monara को कंप्लीट कर लिया था देन बी ऑल्सो स्टार्टेड विद प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा हमने देखा था यार कोई बाउंड्री नहीं है बेचारे इस किंगडम की इसमें कुछ प्लांट लाइक -like रहे हैं कुछ एनिमल लाइक -like रहे हैं कुछ फंजाई लाइक -like है, है जी आज उस protista को हमने क्या करना है खत्म करना है एंड देन वी आर टू स्टार्ट विद फंजाई फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है बेटा बहुत सारी चीजें हैं इसमें लर्न करने वाली बहुत सारी क्लासेज हैं तो वो बेटा आज हमने अच्छे से करनी है तो आज अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करके आए हैं या फिर नहीं आए हैं ठीक है जी यस yes? बायो मेरे बस का नहीं है तो बेटा मेडिकल तुम्हारे बस का नहीं है अगर बायो तुम्हारे बस का नहीं है तो यार मेडिकल भी मैं बोलूंगी तुम्हारे बस का नहीं लग रहा मुझे ठीक है जी तो कल हमने कहां तक कर लिया था इफ आई विल ओपन यस्टरडेज वन ठीक है जी तो कल अगर आप देखेंगे तो यार हमने प्लांट लाइक प्रोटेस्ट खत्म कर लिए थे डिड यू रीड दिस पोर्शन फ्रॉम एनसीआरटी और नॉट क्या आपने एनसीआर से इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा कल हमने बेटा जी प्लांट लाइक -like पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया था ठीक है देन हमने प्रोटेस्टेंट फंजाई भी कंप्लीट कर थी डायटम डायनोफ्लैज यूगलीना स्लाइम मोल्ड ये सारे कंप्लीट हो गए थे ठीक है जी एंड आज हमने स्टार्ट करने हैं प्रोटोजोन यानी कि एनिमल लाइक -like प्रोटेस्टा करने है, ठीक है? ये दोनों क्लासेस हमने कल कर ली थी -like, यानी कि and हम कर चुके थे थे जो प्रोटेस्ट की तरह थे, वो भी कर लिया जो प्रोटीन जो प्रोटीन के जो प्रोटेस्ट बेटा -फंजाए की तरह थे, वो भी हमने कर लिया आज हमने क्या करना है वो प्रोटेस्ट जो कि एनिमल की तरह है ठीक है यानी कि प्रोटोजोन से अपने ने शुरुआत करनी है किससे शुरुआत करनी है प्रोटोजोन से शुरुआत करनी है ठीक है क्या दिख रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ Okay. चलिए कोई बात नहीं शुरू करते हैं नहीं समझ पा रहे हैं तो नहीं करेंगे उसको ठीक हाँ जी बेटा शुरू करा जाए विद प्रोटोजोन्स एवरीवन इज रेडी एक बार सेशन को लाइक करके बता दो एक बारि बेटा जी सेशन को लाइक करके बता दो यस कम ऑन फास्टली सो स्टार्ट हां जी पेन कॉपी पेन पेंसिल सबके पास आ चुका है फटाफट से यार सेशन को लाइक करके बता दो ताकि यार पता चल जाए तुम लोग आ गए हो ठीक ठाक हो पढ़ाई चल रही है लगता है कि क्रैक कर लेंगे ये सारी चीजें हैं तो बता दो यार फटाफट से लाइक करके है ना ताकि चार बच्चों के बस और भी सेशन पहुंच जाए यस yes? ठीक है जी चलो आज हमने शुरू करना है वो प्रोटेस्ट जो कि किसकी तरह है एनिमल की तरह प्रोटेस्ट है एंड दे आर बेसिकली कॉल्ड एज प्रोटोजोन ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं प्रोटोजोन सबसे पहली बात बेटा जी अगर ये एनिमल की तरह हैं तो क्या इनके पास सेल वॉल रखें तुम खुद बताओ बेटा क्या इनके पास हमें सेल वॉल रखनी चाहिए भैया इनमें सेल वॉल कंप्लीटली क्या है Absent है क्योंकि ये किसकी तरह है एनिमल्स की तरह है है ठीक जी एनिमल्स की तरह, है. की तरह है. और इनको बेटा माना जाता है इनको क्या माना जाता है दे आर कॉल्ड एज द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल ठीक है दूर के रिश्तेदार है बेटा एनिमल्स के ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स का एवोल्यूशन हुआ वो इन्हीं से ही हुआ यानी कि दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स रिलेटिव ऑफ एनिमल्स ठीक है एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार हैं ये ठीक है जी अब अगर एनिमल लाइक हैं तो भैया ऑटोट्रॉफिक तो नहीं होंगे ये क्या होंगे हेटेरोट्रॉफिक दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स ठीक है दीज आर हेट्रोट्रॉप ओके जी हेट्रोट्रॉप हैं अब हेट्रोट्रॉप में देखा जाए तो ये प्रेडिटर्स भी हो सकते हैं और बेटा ये किसी पर डिपेंडेंट किसी होस्ट पर डिपेंडेंट एज अ पैरासाइट भी हो सकते हैं अब यार इन को मैं तीन डिफरेंस डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी आई विल डिवाइड देम इनटू थ्री डिफरेंट बेटा। सबसे पहले इस कैटेगरी का डब्बा बना लेते हैं प्रोटोजोन्स यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सीलिएटेड प्रोटोजोन्स भैया नाम से क्लियर है ये मोटाइल होंगे और किसकी हेल्प से चलते होंगे सीलिया की मदद से चलते होंगे ठीक है दे कैन बी फ्री लिविंग लिविंग भी हो सकते हैं और बेटा पैरासाइट भी हो सकते हैं और बेटा ये कहां पर पाए जाएंगे पानी में पाए जाएंगे दे आर गोइंग टू बी अक्वाटिक अब यार इसमें जो सीलिया है तुम बताओ किस किस काम आ सकता है सीलिया एक तो काम आएगा ऑब्वियसली लोकोमोशन के दूसरा बेटा खाने को पकड़ने में और खाने को इंजेस्ट करने में आपकी गलट तक आपकी फूड पाइप तक इनकी बात करें तो इनकी गलट होती है गलेट तक खाने को पहुंचाने में सीलिया मदद करता है यानी कि इंजेशन ऑफ फूड

कि मैक्रोन्यूक्लियस का क्या काम है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को देखना और माइक्रो का क्या काम है रिप्रोडक्शन पे ध्यान देना साथ ही में न्यूक्लियस के अलावा बेटा इनके पास क्या प्रस्तुत है एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रस्तुत है क्या है बेटा जी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज गोइंग टू बी ऑसमो रेगुलेशन और बेटा ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी ओरल कैविटी और इस ओरल कैविटी से क्या चालू हो जाएगी इनकी गलेट चालू हो जाएगी तो सीलिया बेटा मदद करता है फूड को खींचने में अपनी तरफ और इसको गलेट की तरफ भेजने में किसकी तरफ गलेट की तरफ भेजने में ठीक है जी यस yes, क्लियर हो गया सो दिस इज अबाउट द सीलिएटेड प्रोटोजोन सीलिया रखने वाले प्रोटोजोन कौन से हैं एग्जाम्पल में आप लोग याद कर लीजिए दैट इज पैरामीशियम जो कि न्यूक्लियर डायमोर्फिजम शो करते हैं ठीक है जी दो न्यूक्लियस ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों न्यूक्लियसिस का फंक्शन दोनों का फंक्शन इसके बाद बेटा हम सेकेंड टाइप के स्टार्ट करेंगे इसके बाद वी आर गोइंग टू तो स्टार्ट विद द सेकेंड टाइप इसके लिए भी एक डब्बा बना लेते हैं ठीक है जी यस सेकेंड वन इज गोइंग टू बी अमीबॉइड यस सेकेंड वाला कौन सा होगा अमीबॉइड प्रोटोसॉन

सो वन इज द मूवमेंट अदर वन इज द एनगल्फमेंट ऑफ फूड एनगल्फमेंट ऑफ फूड तो ये बात हो गई अमीबॉइड प्रोटोजोन की ये कहां कहां मिल सकते हैं इफ आई टॉक अबाउट देयर हैबिटेट दैट दे कैन बी सीन इन फ्रेश वॉटर यस कहां कहां पर दिख सकते हैं बेटा जी फ्रेश वॉटर में ठीक है सी वॉटर में और मॉइस्ट सॉइल में गीली जगह पर देखेंगे मतलब इनके प्रेजेंस बेटा कहां पर मिलेगी अपने को गीली गीली जगह पे सूखी जगह पर नहीं मिलेंगे अभी जो समुद्र में पाए जाते हैं सम ऑफ द मरीन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स दे हैव सिलिका शेल ऑन देर सरफेस याद रखना है सिर्फ मरीन वालों के सरफेस पर सिलिका का बना हुआ एक शेल होता है ऑन देयर सरफेस मरीन अक्वाटिक फॉर्म पानी में पाए जाने वाले कौन से पानी मरीन वाटर सोल्टी वाटर में पाए जाने के पास उनके पास बेटा सिलिका प्रेजेंट होता है ऑन दियर शेल सर्फेस याद रखना है लाइन एनसीआर की ठीक है जी याद रखना है अब जैसे मैंने तुम्हें तो बताया कि ये भैया फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जैसे कि अमीबा दे कु्री लिविंग एग्जाम्पल इज अमीबा और दे कुड बी पैरासाइट ऑल्सो जैसे कि एंट अमीबा एंट अमीबा तो आपको पता है ना एंट अमीबा हिस्टोलिटी का अमीबिक डाइस कर देते हैं हमारे अंदर जाके हमारे इंटेस्टाइन में ठीक है तो ये क्या होंगे पैरासाइट तो ये बात होगी अमीबॉयड प्रोटोसोन की ठीक है जी फ्री लिविंग और द पैरासाइट अमीबॉयड प्रोटोजोन डन डन याद कर लो बेटा मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ इन चीजों को याद करो काफी सारी चीजें आज हमने इसमें डिस्कस करनी है तीसरी कैटेगरी बेटा नोट्स की टेंशन नहीं लेनी सारे नोट्स तुम जानते हो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं

भैया क्या कॉज करता है क्या कॉज करता है पैथोजेनिक है है इट इट स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस सिकनेस ठीक जी ये होगी थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी लास्ट वन इज गोइंग टू तो बी स्पोरोस याद रखना बेटा स्पोरोजोन्स एक वो कैटेगरी है जिसमें ऑल ऑफ देम आर एंडोपैरासाइड सारे के सारे कोई फ्री लिविंग नहीं है बेटा होस्ट सब के बॉडी सब, के के कभी कभी क्या दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। और यही स्पोर्स बेटा इन्फेक्शियस होंगे ठीक है इनफेक्शियस होंगे एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम ये कौन सा वाला प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम है बेटा कल जब प्लाज्मोडियम किया था मलेरिया वाला नहीं था ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम है चार कैटेगरीज बताई मैंने तुम्हें स्पोर आ, क्या कहते हैं प्रोटोजो में पहला सिलियेटेड जिसमें आपको पैरामिशियम के बारे में याद रखना है देन ठीक है अमीबॉइड जिसमें आपको अमीबा एंड अमीबा के बारे में याद रखना है देन फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम याद हो गया याद कर लो फटाफट से अभी के भी याद करो किसका वेक्टर प्लाज्मोडियम का मलेरिया का बेटा फीमेल मच्छर फीमेल एनोफ्लीस ठीक है एनोफलीज इज द वेक्टर राइट ये वेक्टर वगैरह हम वैसे पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बट द वेक्टर इज फीमेल वो मच्छर है और ये क्या है प्रोटोजोन है कौन से टाइप का प्रोटोजोन है स्पोरोज़ोन है ठीक है जी कौन से टाइप का प्रोटोजोन है स्पोरोजोन है ये देख लो बेटा यहां से फटाफट से दिखा देती हूँ ऑल प्रोटोजोन हेट्रोट्रोप्स क्योंकि यार एनिमल लाइक -like होंगे

जो मरीन वाला है उसके सरफेस पर सिलिका का शेल प्रेजेंट है ठीक है एंटमीवा इसमें पैरासाइट है अमीबा इसमें फ्री लिविंग है देन आता इस है है बेटा इज ठीक ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं पैरासाइट भी हो सकते हैं इनके पास फ्लैजिला होगा और ये बीमारी कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा इंपॉर्टेंट है आ सकता है Then, कौन सा वाला पैरामिशियम वाले की बात हो रही है ये बेटा क्वेटिक होंगे एक्टिवली मूविंग होंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारे सीलिया है बेटा दौड़ 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 फटाफट से दौड़ सकते हैं ठीक है इनके पास गलेट भी होगी

हाँ जी बच्चों डन सो विद दिस वी आर विद किंगडम प्रोटेस्टा किंगडम प्रोटेस्टा बेटा अब जाकर समाप्त हुआ है एक बार चैट सेक्शन में बता दो इतना नहीं आया साथ साथ पानी पीते रहिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए देख रहे हैं मोस्ट नोटोरियस मेमरी नहीं है लिखा हुआ है सबसे शैतान नोटोरियस का वैसे मतलब क्या होता है सबसे शैतान तो मोस्ट शैतान मेंबर ऑफ स्पोरोज़ोन इज प्लाज्मोडियम बड़ा शैतान है बेटा तुम्हारी तरह हैं बड़ा शैतान है यार तुम्हारी तरह ठीक है जी फ्री लिविंग मतलब बेटा जो कि किसी के अंदर नहीं रह रहा है यानी कि फ्री लिविंग इट्स नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट अपना अकेले जिंदगी बिता सकते हैं फ्री लिविंग है खुला है बिल्कुल है ना खुला परिंदा है ओ नादान परिंदे घर आ जा बेटे नादान परिंदा है बिल्कुल खुला परिंदा है इसको अपने लाइफ साइकिल को बिताने के लिए किसी और होस्ट की आवश्यकता नहीं है वो है बेटा जी फ्री लिविंग जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है ठीक है जी जैसे तुम्हारे तुम्हें मेरी आवश्यकता मैं समझ सकती हूँ अपनी नीड की लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए यू रिक्वायर टीचर्स है ना यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट तो यार तुम तो डिपेंडेंट हो लेकिन वो नादान है वो परिंदा है वो फ्री लिविंग है ठीक है जी चलिए इंडिपेंडेंट है बिल्कुल सही नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा फंजाइब पे किस पे आ जाए फंजाइब कौन सा किंगडम है बेटा के अकॉर्डिंग तीसरा मोनेरा हो गया प्रोटिस्टा हो गया फंजाई है फिर प्लांट और फिर एनिमल है फंजाई में बहुत डायवर्सिटी है मॉर्फोलॉजिकल देखोगे शकल देखोगे फंजाई की इतनी सारी टाइप की फंजाई है चार क्लासेस में बेटा इसको डिवाइड करते हैं बहुत सारे नए टर्म्स आएंगे अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहली बार पढ़ रहे हैं देर तो विल be इंट्रोडक्शन ऑफ मेनी न्यू टर्म्स सो बी प्रिपेयर फॉर दैट अपना माइंड बिल्कुल यहाँ पे फोकस करके सुनिएगा अच्छे से सुनिएगा बहुत सारी नई टर्म्स आएंगे जो आपने हो सकता है अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो पहले ना पढ़ी हूं ठीक है जी यस चले तो फंजाई पे आते हैं फंजाई बेटा मैंने जैसे बताया बहुत ही अलग अलग प्रकार के दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं। मतलब इट शोज अ ग्रेट मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत है इसमें मतलब इसकी शक्लें फंजाई की अलग अलग की शक्लें अपियरेंस मॉर्फोलॉजी होते है बाहर से बड़ी अलग अलग प्रकार की नए नए प्रकार की दिखाई देती है फंजाई आप लोग जानते हैं कोई भी मेंबर इसका ऑटोट्रॉफिक नहीं है हेटेरोट्रोट्रॉफिक फंजाई है और हेट्रोट्रॉफिक में बेटा ध्यान देंगे तो मोस्टली बेटा सैप्रोफेटिक होती है

ठीक है जी ये इसके कुछ सिम एसोसिएशन है जो हमने कल की क्लास में करने आज हमने फंजाई इन डिटेल करना है कि यार कैसी है कौन कौन सी क्लासेज है क्या चीज है फंजाई पाई कहां जाती है अगर मैं बात करूँ इसकी की तो भैया ये एक्वाटिक नहीं है ये टेरिस्ट्रियल है ये क्या है बच्चों लैंड पर पाई जाएगी ठीक है टेरिस्ट्रियल है टेरिस्ट्रियल में भी तुम नोटिस करो फफूंद कहां लगती है जहां बड़ी गर्मी होती है फ्रिज में रखी हुई चीज को फफूंद लगती है बताओ फ्रिज में रखी हुई चीज को कुछ नहीं होता है लेकिन अगर मैं उसे बाहर रख दू रात में बड़ी गर्मी का मौसम है जून चल रहा है तीस डिग्री चालीस डिग्री टेम्परेचर है ठीक है हमने उसे फ्रिज में से बाहर रख दिया तो यार बाहर जब बहुत गर्मी होती है हल्की हल्की ह्यूमिडिटी होती है मॉइस्ट कंडीशन होती है वहां पर बेटा फंजाई की ग्रोथ के लिए सबसे फेवरेबल एनवायरमेंट है यानी कि इसको ग्रो करने के लिए चाहिए थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन हल्का गिलगिली चीज मॉइस्ट कंडीशन टेम्परेचर ज्यादा तो यह तीस से पैंतीस डिग्री चाहिए और क्या चाहिए बेटा इसको एसिडिक पीएच चाहिए ग्रो करने के लिए ठीक है बहुत ही कम फंजाई बेटा ऐसी होती है जो कि पानी में होती है, तो है water, ठीक है जी अब यार फंजाई को मैंने देखा लैंड में भी है थोड़ी थोड़ी फंजाई कुछ कुछ फंजाई बेटा पानी में भी है और इनके जो ना हवा में घूमते रहते हैं ठीक है इनके क्या है स्पोर्स दे देयर स्पोर्स दे कीप ऑन मूविंग विद एयर हवा में घूम रहे हैं ठीक है कहीं भी लैंड हो सकते हैं जहां पर इनको फेवरेबल कंडीशन मिली वहां पर ग्रो कर देंगे कुछ फंजाई बेटा कुछ फंजाई, आपको अपने नाखूनों में, अपनेटिन कहा होता है नाखून में होता है बालों में होता है ठीक है दे आर कॉल्डिनो फिलस फंजाई कैरेटिनो फिलस फंजाई ठीक है कैराटिन समझ गए ना कहा होता है नेल्स में होता है आपके हेयर में होता है हॉर्न्स में होता है एनिमल्स के ये आपको कहा मिलेगा हेयर में नेल्स में हॉर्न्स में देन बेटा सम दे 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 यू नो फीड ऑन ऑन और ग्रो द मैटर ठीक है फीसिस पर ग्रो करते हैं किसके फीसिस पर जैसे काउ के फीसिस काउ डंग पे डंग पे बेटा फंजाई लग जाती है ये फंजाइज आर कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस फंजाई कॉप्रो समझते ना कॉप्रोफिलस फंजाई ठीक है किस पे पाई जाएगी डंग पे पाई जाएगी मतलब यहां से समझ आया फंजाई तुम्हें तो सॉइल में मिल जाएगी लैंड में फंजाई अपने तो नाखूनों पे बालों पे हॉर्न्स पे यहां मिल जाएगी कुछ कुछ फंजाई तुम्हें तो पानी में भी मिल जाएंगी इनके स्पोर हवा में घूम रहे हैं मतलब फंजाई तो हर जगह है है ना फंजाई भी बैक्टीरिया की तरह ऑलमोस्ट हर जगह पाई जा रही है तो यार फंजाई को भी मैं यू नहीं बोल सकती हूँ यस कैन आई कॉल दिस फंजाई एज यूबिकुटस या फिर कॉस्मोपोलिटन भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं बैक्टीरिया की तरह बताइए बेटा कैन आई कॉल दिस फंजाई एज कॉस्मोपोलिटन ऑलमोस्ट और यूबिकुटस ये हमने वर्ड यूज किया था यूबिकुटस हां जी बोल सकते हैं हर जगह ही तो है लैंड पे है पानी में भी घुसी हुई है थोड़ी-थोड़ी हवा में भी इसके स्पोर्स घूम रहे हैं काउडंग भी मिल रही है नाखनों पे बालों पे हॉर्न्स पे एनिमल्स के मिल रही है तो यार यूबिकुटस लग रही है मुझे ठीक है दो like मल्टी भी हो सकता है सो फंजाई कुड भी ये so, yes. पहले बेसिक चीजें कटेंगे बेटा उसके बाद मैं इसकी में इसकी क्लासेस में आऊंगी इट कुड भी यूनि सेल्युलर और इट कुड भी मल्टी सेलर क्योंकि अभी तुम जानते हो विटाकर के अकॉर्डिंग मल्टी सेल्यर तो चालू ही कहां से हुआ फंजाई से देखो मोनरा सारे यूनिसेलर थे बैक्टीरिया थे थे सारे लेकिन सारे यूनिसेलर फंजाई में बेटा आकर मल्टी सेलिटी शुरू हुई है मतलब फंजाई में टिश्यू बनने शुरू हुए हैं लेकिन अभी बेटा जी जो टिश्यू बन रहे हैं ना वो बड़े लूज से टिश्यू हैं कैसे टिश्यू है बेटा लूज टिश्यू है क्योंकि अभी जस्ट चालू हुआ है अभी बिटाकर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूनिसेलर फंजाई इसमें आने नहीं चाहिए

ठीक है ये एग्जाम्पल रहेगा मल्टी तुम्हें बताया इसके पास लूज टिश्यू होगा और बेटा धागेदार फॉर्म में होगा देख रहे हो धागे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं धागे होते हैं बेटा फंजाई की बॉडी के पास और इन धागों को अपने लोग बोलते हैं हाइफा क्या बोलते हैं हाइफा और बेटा ये धागे आपस में ना ने एक नेटवर्क टाइप बना लेते हैं इंटरवोवन नेटवर्क जैसे ऊन का गोला नहीं होता नेटवर्क टाइप बना लेता है। ये भी नेटवर्क बना लेते इतने सारे धागे और उस नेटवर्क को के द्वारा बना हुआ नेटवर्क को अपने लोग बोलते हैं माइसीलियम क्या बोलते हैं माइसीलियम तो फंजाई की बॉडी मल्टी सेल्युलर फंजाई की बॉडी धागेदार चीजों से बनी है ये धागे हाइफे है धागे बेटा आपस में इंटरबोवन होके क्या बना लेते हैं माइसीलियम बना लेते हैं अब हम करेंगे माइसीलियम कितने तरीके का होता है ठीक है जी

ये डिजन्स प्रेजेंट है ये देखो है ना डिवाइड हो रहा है ये कहलाएगा सेप्टेट दूसरे वाले में बेटा कोई डिवीजन प्रेजेंट नहीं है यानी कि ये ए सेप्टेट है तो नाम लिख देते हैं ये बेटा कैसा माइसीलियम है सेप्टेट और ये कैसा माइसीलियम है बच्चों एसेप्टेट देखो फंजाई लिखा बहुत थोड़ा हुआ है आपकी किताब में एनसीआरटी में लेकिन उस टर्म को कि उसमें जो बातें करी हुई है कि इसका सेप्टेट माइसिलियम है इसका ये उसको समझने के लिए मैं बैकग्राउंड बना रही हूँ भूमिका बना रहे हैं बेटा अभी

बाकी बाकी तीनों का क्या होता है सेप्टेट होता है अब जो सेप्टेट वाला माइसीलियम है एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस हिसाब से माइसीलियम को भी आगे डिवाइड करूंगी बेटा नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड सेप्टेट माइसीलियम ठीक है अब हम सेप्टेट माइसीलियम को भी आगे डिवाइड कर रहे हैं कर दे तुम्हारी इजाजत हो तो ये देखो डिवाइड कर दो हां जी बेटा एक टाइप के सेप्टेट माइसीलियम में एक टाइप के बेटा सेप्टेट माइसीलियम में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है देख रहे हो एक ही न्यूक्लियस है ठीक है जी यस न्यूक्लियस के लिए क्या वर्ड यूज होता है केरियो केरोकाइनेसिस प्रोकेरियोटिक न्यूक्लियस के लिए क्या यूज होता है केरियो तो यार ये टाइप का माइसीलियम क्या कहलाएगा मोनो केरियोटिक मोनो केरियोटिक माइसीलियम यस कैन आई कॉल दिस एज मोनो केरियोटिक माइसीलियम मोनो यानी कि एक न्यूक्लियस प्रस्तुत है अब बेटा कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनके इस कंपार्टमेंट के अंदर एक नहीं अलग अलग प्रकार के ध्यान देना इस वर्ड पे अलग अलग प्रकार के दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे ठीक है अलग अलग प्रकार के सेम नहीं है अलग अलग प्रकार के बेटा दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे इसको बोलेंगे डायकेरियोटिक माइसीलियम यस बच्चों बाय बेटा सोनम यस बाय कह रही है मैम मैं बाय करना चाहती हूँ बाय कर दो सारे बच्चे इसको बाय कर दो भाई सोनम जा रही है क्लास से प्लीज से बाय टू हर कोई बात नहीं और एक गाना भी गा दो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता यस गाना भी गा दो यार ठीक है मतलब मुझे समझ नहीं आता यार समझ नहीं आता कि आप आते हैं कुछ सोच के आते होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कभी जिंदगी में नाम सुना होगा तभी आते हैं चैनल का नाम है अन अकेडमी नीट नीट के बारे में कभी कुछ सोचा होगा तभी आते हैं ऐसे तो नहीं आते हैं यार ऐसे तो नहीं है कि यार आर्ट्स का बच्चा यहाँ घूम रहा है नहीं वो तो नहीं घूम रहा मेडिकल का बच्चा ही घूम रहा है जिसने अगले साल या उससे अगले साल पेपर देना है पेपर देने के लिए हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने आते हैं ठीक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई चार्ज नहीं है तुम्हारा डेटा पैक डलता है बेटा और कुछ नहीं डलता इसमें ओनली योर डेटा पैक इज रिक्वायर्ड ठीक है हम आ रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं और बीच में एज अ डिस्टरबेंस बाय भी कर रहे हैं मतलब व्हाट्स द ये चैट ना बेटा आपस में करने के लिए नहीं है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइव चैट कभी सोचा है लाइव चैट का पर्पस है मैम से चैट करना मेरे से मुझे बता रहे हैं बाय ओके okay, बेटा बाय हैं आए क्यों थे फिर अगर बाय करना था तो हाय क्यों किया ठीक है हाय क्यों किया बेटा पढ़ाई करी फोकस कहाँ होना चाहिए अटेंशन सीकर मत बने तुम्हें, तुम्हें पता है तुम बाय लिखोगी तो चार लड़के और आगे बाय 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 लिखेंगे और बेटा बच्चे जागरूक हो जाएंगे ठीक है तो पर्पज इज नॉट टू सीक अटेंशन फ्रॉम ऑल द क्लासमेट्स द्लासमेट्स इज टू लर्न पर्पज इज टू क्रैक एग्जामिनेशन ये सब बेटा धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा हाय तुम्हारा बाय हाय कैसे हो क्यों आए हो खाना खाया नहीं खाया ये सब ये सब बेटा धरा का धरा यही रह जाएगा

जबकि जिम, क्यों? जिम, जिम, ले जिम, जब जिम में क्या है बेटा दौड़ के आ जाओ वही जिम में वही बात है यहाँ पर फ्री चल रहे हो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है वहां जाके दो लाख रूपये देकर करोगे वहां वैल्यू निकलेगी तुम्हारी ठीक है यही चीज पढ़ोगे कुछ अलग नहीं आएगा बेटा यहाँ वहां से बेटर ही होगा इतना मैं जानती हूँ यस yes? चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार बाय तो कर दो उसको अब कर ही दो यार मैं भी बाय करूं बाय बेटा हां जी <laughs> ओके सो व्हाट आई वाज टेलिंग मैं कह रही थी दो तरीके के सेप्टेट माइसिलियम होते हैं कि उसके पास एक न्यूक्लियस है कि दो न्यूक्लियस न्यूक्लियस है है अगर एक है तो मोनोकैरियोटिक होगा दो अलग प्रकार के न्यूक्लियस है 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 तो वो है. ठीक टू न्यूक्लियस इन वन कंपार्टमेंट अब ये डायकेरियोटिक पे एक बार सवाल आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि भैया ये जो डायरियोटिक तुमने बनाया है जिसमें एक कंपार्टमेंट में दो न्यूक्लियस तुम दिखा रहे हो क्या ये दो न्यूक्लियस एक ही तरीके के हैं क्या ये दो न्यूक्लियस फ्यूज है या अनफ्यूज है पहला सवाल ये क्या ये दो न्यूक्लियस जेनेटिकली सिमिलर है या जेनेटिकली डिसिमिलर है तो यार ये एक पीवाई क्यू है बहुत ध्यान से बेटा इसको सुनना कि जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम है डाई क्यों क्योंकि इसके पास दो न्यूक्लियस है ये जो दोनों न्यूक्लियस है बेटा दीज आर जेनेटिकली डिसिमिलर तभी तो अलग कलर से दिखाया बेटा मैंने चेक कर लेना जाकेटिकलीर और बेटा क्या फ्यूज दिखाई दे रहे नहीं बेटा ये क्या है अनफ्यूज है अगर ये अनफ्यूज है यानी कि एन प्लस एन है ठीक है अगर ये अनफ्यूज है तो कैसे है एन प्लस एन है दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज पेटेंशन

कैसा कैरेक्टर हो गया एनिमल की तरह है ना एनिमल में भी तो ग्लाइकोजन होता है प्लांट में बेटा स्टार्च होता है एनिमल में क्या होता है like अब आते हैं उस जगह पर जहां से सवाल आता है पहले बेटा मैं तुम्हें तीन तरीके का रिप्रोडक्शन कराऊंगी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पहले आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर बेटा तीन तरीके का रिप्रोडक्शन करेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है जी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा वो है जिसमें फंजाई रिप्रोड्यूस करती है बाय बाइनरी फिशन बेटा फंजाई में बाइनरी फिशन को मैं ए रिप्रोडक्शन नहीं बोल रही क्यों क्योंकि यहां पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो होगी जिसमें ए सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं क्या बनते हैं स्पोर्स बनते हैं यहां भी कोई स्पोर नहीं बन रहे ठीक है अभी नॉर्मल डिवीजन हो रही है इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे ध्यान देना बाइनरी फिशन बेटा सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर फॉर्म्स में होगी जैसे ईस्ट

पहला रिप्रोडक्शन बेटा हमने डिस्कस कर लिया है जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है ए सेक्शुअल इसीलिए नहीं बोला इसको क्योंकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में यहां पर ए सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं लर्न लर्न हो गया चलिए अब चलते हैं बेटा अगले डब्बे पे अगले डब्बे में आएगा फंजाइ में ए रिप्रोडक्शन ए रिप्रोडक्शन ठीक है जी

कैसे बनाएंगे ऑल स्टार वाले बच्चे जो कल मेरे से पढ़ रहे थे एन से एन बनाना तुम कैसे बनाओगे माइटोसिस तो क्या इनको माइटोस्पोर्स बोल सकती हूँ यस yes. यानी कि ये स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होगा दे विल बी फॉर्म्ड बाय माइटोसिस माइटोसिस के द्वारा बनेंगे और इसी वजह से बेटा इनको बोला जाएगा माइटोस्पोर्स क्या बोलोगे बेटा इसको माइटोस्पोर्स बोलोगे क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस हैं क्योंकि बेटा जी ये प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस है एग्जाम्पल जूओस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडिया। तीन लिख रही हूं जुओसपोर स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया। ये तीनों एसेक्सुअल स्पोर्स है फंजाई में यानी कि ये माइटोसिस के द्वारा बने गए स्पोर्स हैं। तो हेयर द एग्जाम्पल इज जूओस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर्स अब इसमें डिफरेंस करेंगे बेटा जियोस्पोर्स एंड कितना सवाल आ चुका है मतलब अगर ये माइटोसिस है एन तो तीनों, तीनों, है? है. तीनों के तीनों बेटा क्या है ओके चलिए जुओ स्पोर्सेंजियो स्पोर्स को बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री डिफरेंस करने वाले लिख लिया लिख लिया इतना चलो बेटा थोड़ा बहुत मिस हो जाता है तो तुम्हें बताइए कहां से लेनी है uh, फाइल फाइल तुम्हें क्लास के बाद मिल जाएगी टेलीग्राम से ठीक है टेलीग्राम से सो so, सबसे पहले आ जाते हैं जुओ स्पोर देन स्पोर स्पोर एंड देन आता है कोनिडिया ठीक है जी ये सब ए सेक्शुअल स्पोर्स है ए सेक्शुअल स्पोर है ठीक है जी जूओ स्पोर का दूसरा नाम बेटा प्लानोस्पोर भी है प्लानो वर्ड जहां भी आ जाए यानी कि ये मोटाइल स्पोर है कैसा स्पोर है मोटाइल स्पोर है ठीक है जी चल सकता है मतलब इसके पास फ्लेजेला होगा ये ऐसा स्पोर है जिसके पास फ्लैजेला है इट्स अ मोटाइल स्पोर ठीक है कैसे बना माइट माइटोसिस से बना तो माइटोस्पोर तो, तो यार तीनों ही है ठीक है जी ये बेटा अंदर बन बनता है बॉडी के अंदर बनता है तो ये है एंडोस्पोर कहलाएगा एंडोस्पोर बोल बोल लो लो या फिर यानी कि के अंदर बनने वाला स्पोर देखिए वैसे तो बेटा मैं आपको बताऊं फंजाई बहुत डिटेल है आप मॉड्यूल छांट के देखोगे इतना कुछ दिया वो इतना कुछ लेकिन हम इतना कुछ नहीं करेंगे हम सिर्फ उतना करेंगे बेटा जितना नीट में रिक्वायर्ड है जितना आपके लिए जरूरी है जितना आपको टर्म समझने के लिए चाहिए तुम इतना कर लोगे ना बेटा जितना मैं करा दूंगी हंड्रेड परसेंट बेटा क्वेश्चन वहीं से आएगा तो ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना कि समझ ही ना आए भूल जाए हमने उतनी पोर्शन करना है जितना हम अच्छे से लर्न कर पाए और जो पेपर के लिए रिलेवेंट हो ठीक है जी तो ये कैसा स्पोर है बेटा एंडोजेनस स्पोर्स है ये बेटा वाटर करंट की हेल्प से घूमता है स्पोर है डिस्पर्स तो होगा इट विल डिस्पर्स विद वाटर करंट अगर बेटा ये वाटर करंट की मदद से डिस्पर्स होगा तो ये पानी वाली फंजाइ में ही पाया जाएगा यानी कि दे आर ओनली फाउंड इन एक्वाटिक फंजाइ कहां मिलते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक फंजाई में मिलते हैं और एक्वाटिक फंजाई में तो मैं बता ओनली फ्यू मेंबर्स मेंबर्स ऑफ ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज और कोई एक्वाटिक नहीं है है फ्यू बस यही है बेटा सिर्फ इन्हीं में तुम्हें क्या मिलेगा जूस्पोर मिलेगा याद कर लो जूस्पोर बेटा मोटाइल स्पोर है पानी की मदद से चलता है ठीक है तो एक्वाटिक फंजाई में ही मिलेगा नेक्स्ट आता है स्पोरेंजियोस्पोर क्या आता है बेटा स्पोरेंजियोस्पोर आता है

अब कुछ पानी में नहीं है अब सब टेरिस्ट्रियल मेंबर्स में हैं। किसमें टेरिस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज ओनली मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज एग्जांपल इज राइजोपस राइजोपस एंड म्यूकर ठीक है राइजोपस एंड म्यूकर ऐसे तो बेटा तुम बड़े सारे सवाल आ सकते हैं जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊं म्यूकर हैज बाई फ्लैजिलेटेड स्पोरेंजियोस्पोर क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फ्लेजिलेटेड स्पोर मैं बता रही हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा घुस घुस के म्यूकर के पास बाई फ्लेजिलेटेड स्पोरेंजियोस्पोर प्रेजेंट है तो भैया तुम बोलोगे स्पोरेंजियो तो है लेकिन बाइक नहीं है ए प्लानो है ये तो नॉन मोटाइल है अब अगर सवाल आए म्यूकर हैज म्यूकर हैज नॉन मोटाइल जू तो बताओ म्यूकर हैज नॉन मोटाइल जूसपोर यस बताइए म्यूकर हैज नॉन मोटाइल जूसपोर इज ट्रू और फॉल्स यस नॉन मोटाइल जूसपोर

ये थिन वॉल्ड नहीं है दीज आर थिक वॉल्ड और बेटा ये एक्सोजीनस है अभी तक हमने सारे स्पोर ऐसे पड़े जो अंदर बनते हैं ये बेटा बाहर बनता है बेटा मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ पेनिसिलियम का पेनिसिलियम का ये एक माइसिलियम है एक हाइफा बेटा ऐसे ग्रो किया यहां पर क्या बनने शुरू हो गए इस तरीके से कोनिडिया ये देख रहे हो यस कैन यू सी यस दीज आर द कोनिडिया तो बाहर बन रहे हैं बाहर बनने का क्या मतलब है ये एक्सोजीनस है एग्जाम्पल एग्जाम्पल इजर एस्कोमा सेक्शुअल अगर तुमसे कोई पूछे मोस्ट कॉमन ए सेक्शुअल स्पोर कौन सा है तो तुम बोलोगे कॉनिडिया इट इज द मोस्ट कॉमन ए सेक्शुअल स्पोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन ए सेक्शुअल स्पोर अब तुम बोलोगे आपने फाइकोमाइसिटीज लिख दिया

कोई भी बेटा स्पोर्स नहीं होते हैं किसमें नहीं होते हैं कौन सी क्लास में नहीं होते हैं हमें याद होना चाहिए बेसिडियो माइसिटीज में ए सेक्शुअल स्पोर नहीं बनते हैं ठीक है नहीं बनते हैं तभी तो नहीं लिखा नहीं तो लिख देते हैं। है ना तभी बेटा मैंने नहीं लिखा नहीं तो लिख देते चलो जी हो गया

अब यार फंजाई की बॉडी कैसी है फंजाई की बॉडी है बॉडी तो देखते हैं यार कैसे हम बॉडी से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएंगे तो बेटा सबसे पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी प्लाज्मो क्या है बेटा जी पहला स्टेप प्लाज्मो जनरली बेटा जब दो सेल होते हैं मान लो ये दो सेल है ये गैमिट है मान लो ये गैमिट है ठीक है एन एन वाले गैमिट है इन्होंने बेटा फ्यूज करना होता है तो जनरली हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस पहले फ्यूज करेगा यहां पर न्यूक्लियस पहले फ्यूज नहीं करता यहां पर पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करती है सो पहले होगा फ्यूजन ऑफ ऑफ टू दो गैमीट आए उन दो गैमीट की साइटोप्लाज पहले फ्यूज करी ठीक है ये बन गया प्लाज्मोगेमी उसके बाद बेटा क्या होगी केरियोगी इट इज फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ देन न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस फ्यूज कर दिए बेटा ये भी एन था ये भी एन था दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो कैसा बन जाएगा बच्चों माइटोसिस अगर मैंने टू एन वाले माइटोसिस करा दे तो फंजाई की बॉडी तो क्या हो जाएगी टिप्लॉइड लेकिन फंजाई की बॉडी क्या है, है यानी कि तीसरे स्टेप में मुझे मियोसिस करानी पड़ेगी है ना जाएगोट बना जाएगोट के अंदर मुझे क्या करानी पड़ेगी मियोसिस क्योंकि है और तो बेटा हम फंजाई रखते ही नहीं है हमको इसको मियोसिस करानी पड़ेगी मियोसिस करा के बेटा हम क्या बनाएंगे सेक्सुअल स्पोर्स बनाएंगे क्या बनाएंगे बेटा जी मियोसिस करा के सेक्सुअल स्पोर्स बनाएंगे तो मतलब फंजाई में ए सेक्शुअल स्पोर भी थे फंजाई में सेक्शुअल स्पोर भी हैं एंड व्हाट विल बी द्लॉयडी लेवल प्लॉइडी लेवल इज गोइंग टू बी एन ठीक है ये सेक्सुअल स्पोर जाके जर्मिनेट करके क्या बना देंगे माइसिलियम बना देंगे जो भी क्या रहेगा यस yes, क्लियर हुआ बेटा रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्यूज करेंगे फ्यूज करने में पहले प्लाज, प्लाज फ्यूज करेगा फिर जाके का नंबर आएगा, उसके बाद जाएगोर्ट बना, जाएगोर्ट टुवें बना, टुवें वाला तो रख नहीं सकते रोडाशनल डिविजन कराएंगे और एन वाला सेक्शुअल स्पोर बना लेंगे ठीक है तो यार ये जो सेक्शुअल स्पोर है क्या ये माइटोस्पोर है बताओ क्या ये माइटोस्पोर है बताओ इज दिस माइटोस्पोर मैंने किसको बोला था जो कि प्रोडक्ट था माइटोसिस का जो कि बेटा प्रोडक्ट था माइटोसिस का ये किसका प्रोडक्ट है ये मियोसिस का प्रोडक्ट है यानी कि बेटा ये माइटोस्पोर नहीं है ये पता क्या है सेक्सुअल स्पोर सेक्सुअल स्पोर इज अ मियोस्पोर इसको मैं क्या बोल दूंगी मियोस्पोर है ये माइटोस्पोर नहीं है क्योंकि ये मियोसिस से बना है, तो याद रखना है, है, है ठीक है अब कई बार बता पता क्या होता है कई बार में तुम्हें तो बताऊं क्या होता है कुछ ही मेंबर्स में होता है बेसिडियो के इन सम मेंबर्स इस पॉइंट में देखना यहां प्लाज्मोगेमी और केरियोगेमी के बीच में एक ना इंटरमीडिएट स्टेज आती है कि यार प्लाज्मोगेमी तो हो गई कि यार दो हैं इनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया मतलब इसके बीच में यहां पे निकालूंगी बेटा मैं एक इंटरमीडिएट स्टेज देयर इज गोइंग टू बी एन इंटरमीडिएट स्टेज यहां पर ठीक है यहां पर एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसमें बेटा साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाता है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता ठीक है जी साइटोप्लाज फ्यूज कर गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर गया इस फेज को हम बोलते हैं डायकेरियॉन बन गया ना इस फेज को बोलते हैं फेज इस फेज को बेटा जी क्या बोलते हैं फेज की साइटोप्लाजम फ्यूज कर गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करा ये किसके मेंबर्स में देखा जाता है इट इज सीन इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज ठीक है बच्चों दैट्स इट दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन दैट्स इट फॉर द भूमिका भूमिका बनाने का काम समाप्त हो गया अब हम एक्चुअल डिफरेंस करेंगे भूमिका बना ली बेटा यानी कि दो न्यूक्लियस है इसके बाद बेटा वो मिक्स भी भी हो जाएंगे, भी हो जाएंगे जाएंगे ऑब्वियसली फ्यूज अब बेटा तीनों हम करने वाले हैं तो मैं एक बार बता दू भूमिका बना दी हाँ ये देखो बेटा भूमिका मैंने बना दी है अब हमें डिफरेंस करना है भूमिका वाला पढ़ लें फटाफट से एनसीआरटी से एनसीआर से पढ़ ले बेटा yes क्या कह रहे हैं फंजाई एक बड़ा यूनिक किंगडम है हेट्रोट्रॉफिक है ठीक है बहुत डाइवर्सिटी है मोर्फॉलोजी में और हैबिटेट में भी तभी तो इसको यूबिकुटस बोला तभी तो मैंने इसको कॉस्मोपॉलिटन बोला ठीक है आपने देखा है कि मॉइस्ट ब्रेड पे खरा सड़े हुए फ्रूट्स पे फंजाई ग्रो करती है कॉमन मशरूम दैट यू टूल आर ऑल्सो फंजाई ियम ये हम बेटा आगे जब मेंसेंगे ना इनके क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे तब हम इसको लिखेंगे पंजाई कहाँ ग्रो करना शुरू करती है देखो कॉस्मोपोलिटन है हवा पानी लैंड हर जगह मिलता है तभी बेटा ये कॉस्मोपोलिटन और युबिकोटस है ठीक है जी यस ओके okay, इसीलिए बेटा खाने को फ्रिज में रखा जाता है नहीं बाहर रखोगे उसे टेम्परेचर मिल जाएगा ह्यूमिडिटी मिल जाएगी तो फंजाई ग्रो कर देगी तुम्हारे खाने को खराब कर देगी हाँ जी यीस्ट को छोड़ के बेटा सारी फंजाई क्या है मल्टीसेलर यानी कि फिलामेंटस है धागेदार इनका स्ट्रक्चर होता है और उस धागे को हम क्या बोलते हैं हाईफे क्या बोलते हैं बच्चों धागे को हम बोलते हैं हाईफे

ठीक है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए सेक्सुअल स्पोर्स इनका नाम अभी आगे आएगा जैसे एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर तो डिफरेंस देखना है कि सेक्सुअल स्पोर क्या है और एसेक्सुअल स्पोर क्या है ठीक है जी सेक्सुअल साइकिल बेटा थ्री स्टेप्स में होता है सबसे पहला स्टेप फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस नहीं है पहला बेटा दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमिट्स गैमिट्स का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा फिर बेटा न्यूक्लियस फ्यूज होगा फिर जायगोट होगा लेकिन जायगोट टू एन बन गया तो मियोसिस करना पड़ेगा मियोसिस करेंगे और हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेंगे जो होंगे सेक्सुअल स्पोर्स नॉट ए स्पोर्स ठीक है बीच में कुछ फंजाई में एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा जिसमें एन प्लस एन वाला स्ट्रक्चर बनेगा डायन बनेगा एक सेल में दो डिस्टिंक्ट जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं डाय कैरियन एंड दैट इज डायरियो फेस ठीक है जी यस हां जी क्लियर इतना हमने कर लिया अब हम किसका कर रहे हैं क्लासिफिकेशन यहां से शुरू कर रहे हो बेटा इस पोर्शन से मैं जान के बेटा साथ साथ एनसीआर से इसीलिए दिखा रही हूं ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि हम कितना कितना अच्छे से एनसीआरटी को डिपेक्ट करते जा रहे हैं अपने नोट्स में जी रेडी है चलिए अब आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन पे किसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फनजा अब यार एनसीआरटी कहती है कि क्लासिफिकेशन वी विल डू ऑन थ्री बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंज़ाई ये कलर दिख रहा है यस yes, बेटा कैन यू सी द कलर हाँ जी गुड नहीं दिख रहा तो बता देना क्लासिफिकेशन बेटा तीन तरीकों के फॉर्म में हो सकती है मतलब, एक तो यार, के से करेंगे. मैं बताऊंगी और बेटा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन स्पोर कैसे बन रहा है इस हिसाब से अपने ने फंजाई को चार क्लासेस के बीच में डिवाइड कर दिया है

पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में कर लो ऐसे पकड़ी हुई थी इसको ऐसे कर लो यस yes, क्योंकि हम इस क्लासिफिकेशन को टैबुलर फॉर्म में लिखने वाले हैं ठीक है टैबुलर फॉर्म में लिखने वाले हैं. आ जाओ कर ले <laughs> बेटा प्रोटोप्लास के अंदर ही तो आएगी सुभाष प्रोटोप्लाज के अंदर ही तो आएगी लिविंग मैटर इज द साइटोप्लाजम एन दर्गेज ओनली ठीक है जी तो फ्यूज का फ्यूजन या का फ्यूजन एक ही बात है डिफरेंस ये चलिए तो लैंडस्केप मोड में आ जाते हैं चार खाने बना लीजिए बेटा अपने उसमें ये पेंसिल बड़ा परेशान कर रही कह रही है, मुझे चार्ज कर लो चलो चार्ज कर लेते हैं दो मिनट वैसे इसको चार्ज होने में जस्ट एक टू मिनट्स है ना दो मिनट में इसको चार्ज कर लेते हैं तब तक बेटा पानी पी लो और बताओ क्या चल रहा है ये जो पीडीएफ मांगने आ जाते हैं बेटा पहले पीडीएफ दे दूंगी क्या अभी लिखू ना पहले पीडीएफ दे देती हूँ ठीक है बस पीडीएफ से पढ़ लेना बेटा पीडीएफ से ना ट्वेंटी परसेंट समझ आएगा अगर सिर्फ पीडीएफ समझेंगे अगर आप लिखेंगे अपने हाथ से तो आपको हंड्रेड परसेंट समझ आएगा और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाती है वहां से ले लिया करो ठीक है एक लाख से ऊपर है मैम का टेलीग्राम उसी पे आना इधर उधर गलत ग्रुप्स में मत घूमते रहना वहां पर कई फ्रॉड भी भी हो हो जाता है कुछ भी हो सकता है ठीक है कुछ सकता ठीक सो बी प्रेजेंट एट द राइट प्लेस ओके फॉग चल रहा है बहुत पुराना घिसा पिटा जोक हो गया यार ये फॉग चल रहा है वाला ना बड़ा ही पुराना जो है क्या चल रहा है कुछ नया सोचो यार कुछ नया सोचो जिंदगी में ठीक है नया सोचिए कुछ चलिए तो लैंडस्केप मोड में आ जाइए सब बच्चे लैंडस्केप मोड में बेटा हम डिवाइड करेंगे चार क्लासेस ऑफ पंजाई को सबसे पहले बेटा यहां पर लिखना है कैरेक्टर ठीक है देन चार क्लासेस का नाम लिखना है पहला है फाइकोमाइसिटीज़ Then हम बेसिडियो बेसिडियोमाइसिटीज़ पूरा नाम ना लिखू एस्कोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरो माइसिटीज ड्यूटेरो माइसिटीज समझ जाना ठीक है जी कैरेक्टर एस्कोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरो थोड़ा सा इधर कर देते हैं ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा हाँ जी समझ जाना पूरा पूरा नाम 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 है 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 और चलिए सबसे पहला कैरेक्टर भैया इनका कॉमन क्या बेटा टेबल थोड़ा लंबा चलेगा दो पेजेस में चलेगा एक पेज का नहीं है दो पेज हम ऐसे बनाएंगे ठीक है तो उस हिसाब से करना प्लीज ऐसे मत कर लेना कॉपी में आधा पेज भरा हम नीचे से टेबल शुरू कर लेना टेक अ फ्रेश पेज इट विल गो फॉर टू पेजेस ओके गो फॉर टू पेजेस

क्योंकि बेटा इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ऐसा यूज होता है ये कभी नहीं पूछा जाएगा इसलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे नेक्स्ट आता है बेसिडियो फंजाई बेसिडियो फंजाई का कॉमन कॉमन <coughs> नेम है क्लब फंजाई क्योंकि बेटा जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है फ्रूटिंग बॉडी हम करेंगे कि माइसिलियम से नीचे ना ऐसे क्लब शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसमें डायकैरियन घुस के फ्यूज होता है अभी विल डू बेसिडियोज इन डिटेल तब हम लिखेंगे लेकिन अभी के लिए याद रख लो इसकी फ्रूटिंग बॉडी जो क्लब शेप है इसीलिए इसको क्लब फंजाई बोला जाता है इस फंजाई का दूसरा नाम है सैक फंजाई ठीक है क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है जहां से फंजाई बनी है वो बेटा एक बोरी टाइप का स्ट्रक्चर है सैक लाइक स्ट्रक्चर इसलिए इसका नाम है सैक फंजाई डिटेरों को कॉमन नेम है इम परफेक्ट फनजाए क्या है बेटा जी इम परफेक्ट फंजाई इम परफेक्ट क्यों बोला क्योंकि भैया इसके पास सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है नो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इसीलिए इसका नाम है इम परफेक्ट फंजाई इतना समझ आया पहला डिफरेंस बेटा क्लियर याद करते जाओ साथ साथ

सिर्फ फाइको में ही बेटा है ठीक है जी? ये जो है, ये जो पैरासाइट पैरासाइट ही जबरदस्ती की है, है, और बेटा ये पैरासाइट होते हैं ये जनरली पैरासाइट नहीं होते ठीक है देन आई बेसिडियो बेसिडियो माइसिटीज के बेटा हैबिटेट पे आ जाइए yes. माइसिटीज सारी के सारे टेरिस्ट्रियल हैं कहा मिलेंगी ट्री की लकड़ी के ऊपर वुडन लॉग्स

हां जी नेक्स्ट आएगा माइसीलियम कैसा है बड़ा इंपॉर्टेंट है माइसीलियम कैसा है नेक्स्ट डिफरेंस इज गोइंग टू बी माइसीलियम जी घबराना नहीं है बेटा फिंजाई को देख के मैं रिवाइज कराऊंगी लास्ट में सब कुछ लर्न हो जाएगा ठीक है सब कुछ लर्न हो जाएगा डू नॉट वरी चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज माइसीलियम माइसीलियम बेटा अगर मैं देखूंगी फाइको का ये वैसे हमने पहले लिख लिया था माइसीलियम इज गोइंग टू बी एसेप्टेट एसेप्टेट है बट मल्टीन्यूक्लियेटेड है सीनोसिटिक है मल्टीन्यूक्लियेटेड न्यूक्लिएटेड विच इज कॉल्ड एज सीनोसिटिक कोई सेप्टा नहीं है बट मल्टीन्यूक्लियेटेड और सीनोसिटिक है ये बेटा सेप्टेट है और ब्रांच्ड है बेसिडियोमाइसिटीज का सेप्टेट एंड ब्रांच्ड ठीक है ये सेप्टा के ऊपर ऐसे ब्रांचिंग भी होगी ये भी सेप्टेट है और बेटा ये भी सेप्टेट है ये हम पहले लिख चुके हैं है ना हमने माइसीलियम वाले में कर लिया कि सिर्फ फाइको माइसिटीज ऐसी जिसके पास ए सेप्टेट माइसीलियम है बाकी सब क्लासेस के पास सेप्टेट है थ्री डिफरेंस इज डन थ्री डिफरेंस इज डन ठीक है यस चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आई एम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज बेटा आप इसको आगे बढ़ाइए इसी चीज को आगे बढ़ाइए नेक्स्ट आता है बेटा ए सेक्शुअल स्पोर

एस्को में ड्यूटेरो में भी ठीक है yes, ये सब डिटेल हम पहले स्टडी करके आ रहे, तभी हम यहां पर लिख रहे हैं ठीक yes? तो है जिसके पास जू स्पोर और स्परेंजर स्पोर होंगे मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शुअल स्पोर्स सेक्शुअल स्पोर्स की बेटा बात करें केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज जो जायॉट बन रहा है वो अपने आप में एक स्पोर है तो जायगोट को भी स्पोर बोला है बेटा दैट इजो स्पोर बनेगा वो अपने आप में बेटा एक सेक्शुअल स्पोर कहलाता है is but the बेटा, लिखा होता है सेक्शुअल स्पोर एन फाइको माइसिटीज इजो स्पोर तुम सोचो की हाँ फाइकोमाइसिटीज में जुओ स्पोर तो होता है लेकिन बेटा जुवो स्पोर उसका सेक्शुअल स्पोर नहीं है उसका ए सेक्शुअल स्पोर है ठीक है याद रखना है कंफ्यूज नहीं करना है कुछ नहीं है ठीक है, इसमें अपने एक स्पोर का करता है। is, स्पोर। जी तो इसके पास जुअस्पोर एज अ ए स्पोर है और जयगोस्पोर एज अ सेक्सुअल स्पोर आज आज है ठीक है जी इधर जो बेटा बेसिडियो माइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर है इनका नाम है बेसिडियोस्पोर बेसिडियोस्पोर स्पोर ठीक है जी यस ये कैसे बनेंगे मियोसिस से बनेंगे तो मियोसाइट है एन इसका वो होगा इधर जो आएंगे इसका नाम है एस्कोस्पोर और इधर बेटा सेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट व्हाई बिकॉज नो रिपोर्डन भैया तो सेक्सुअल स्पोर कहां से आएगा बनेगा ही नहीं है ना एब्सेंट ठीक है बेटा मेरे नाम से सर्च कर लो डॉक्टर किंग किंग मेकर मैं मैं कह रही थी किंग मास्टर किंग मास्टर नहीं है ये तो किंग मेकर है किंग को बनाएंगे क्या बात है बेटा मेरा नाम क्या है सीप पहहूजा ठीक है जी सीप सीपूजा आगे लगा दे नाम सब्जेक्ट का नाम ठीक है मिल मिल जाएगा मिल जाएगा ढूंढने वालों को तो क्या क्या नहीं मिलता तुम तो सिंपल सी बात कर रहे हो धनुष कह रहे हैं व्हाट विल वी स्टार्ट आफ्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा तुम्हें ना प्लान जानने का बड़ा जल्दी रहती है कि मैम प्लान बता दो दिसंबर प्लान बना दो अभी आ जाओ और आज ही दिसंबर का पूरा प्लान बना दो मेरे लिए क्या रहेगा बहुत जल्दी रहती है वैसे बेटा बेटा तुम्हें जो कर रहे हैं वो नहीं करना जो नहीं कर रहे हैं जो आने वाला है वो पहले है कुछ नहीं इसके बाद। ठीक, सेक्स और्गन, सेक्स और्गन, बेटा इसमें देखा जाए तो इसमें प्रेजेंट होते हैं फाइकोमाइसिटीज में इसमें एब्सेंट होते हैं होते है। अब तुम बोलो यार मैम आपने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं है कैसे हो गया कैसे हो गया? में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पर सेक्स ऑर्गन नहीं है इसके पास है इसके पास नहीं है भैया इसमें तो ना होना समझ आता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही लेकिन इसमें कैसे नहीं है इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विच ब्रिंग नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फाइकोमाइसिटीज में भी है, में भी है, में भी है, में नहीं है। लेकिन बेटा के पास ऑर्गन्स नहीं होते है। ये अब भी डिस्कस करेंगे। करती है लास्ट डिफरेंस we'll जो आता है वो आता है बेटा फ्रूटिंग बॉडी पे फ्रूटिंग बॉडी ठीक है फ्रूटिंग बॉडी बेटा इसके पास नहीं होती इसके पास होती है इसके पास होती है इसके पास नहीं होती इसके फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प ठीक है इसका नाम है एस्कोकार्प यस yes. यस <coughs> ठीक yes. है

व्हाइट रस इन मस्टर्ड सरसों में बेटा जो बीमारी कॉज करती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कौन कॉज करती है एल्ब्यूगो एल्ब्यूगो याद कर लो नेक्स्ट बेटा इसका मेंबर आता है जो आपको याद रखना है टेरेस्ट्रियल फॉर्म में राइजोपस एंड म्यूकर ये जो राइजोपस और म्यूकर है टेरेस्ट्रियल है इन दोनों में बेटा क्या बनता है सेक्सुअल स्पोर में जाइगोस्पोर क्या नाम याद रखना है जाइगोस्पोर टू एन कंडीशन वाला स्पोर बनेगा जाइगोस्पोर ऑब्वियसली बात है बेटा मैंने आपको पहले भी बताया ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है ये बेटा सैप्रोफिटिक है सैप्रोफिटिक मरी हुई चीजों पे बेटा प्रेजेंट होंगे आपको पता है ब्रेड मोल्ड किस पे प्रेजेंट होगी खराब हुई ब्रेड के ऊपर प्रेजेंट होंगे ठीक है रेयरली पैरासाइट होते हैं नेक्स्ट बेटा इसमें आता है एक मैंने ये कर लिया एक बेटा एल्ब्युगो करा दिया तीसरा बेटा कराने वाली हूं फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस ठीक है ये भी कैसी फॉर्म है ये भी इसकी एक्वाटिक फॉर्म है बेटा ठीक है एक्वाटिक फॉर्म है ये क्या करती है आलू को खराब कर देती है इट कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बेटा याद रखना है बेटा एट 1840 की बात है कब की बात है बेटा 1840 की बात है आयरिश में ठीक है आयरलैंड में बहुत ही भयानक भुखमरी आई थी क्यों क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ना आलूओं पे डिपेंडेंट होती थी, थी खूब आलू खाते थे लेकिन वहां पर फंजाई ने ठीक है इस फंजाई ने आलू खराब कर दिया और बहुत ही भयानक फॉर्म की भूखमरी आई थी दैट वन ऑफ द यू नो वेरी लार्ज आयरिश में इसको बोलते हैं यानी कि क्यों क्योंकि उनकी पॉपुलेशन आलुओं पे डिपेंडेंट थी और इस फाइकोमाइसिटीज ने उनके सारे आलू खराब कर दिए थे ठीक है सारे आलू खराब कर दिए थे ठीक है चलिए ये बात होगी फाइको माइसिटीज एक बार फटाफट फड़ से इसको बेटा मैं यहां से भी देख लेती हूँ इसको अगर मैं देखू तो बेटा मेंबर ऑफ फाइको माइस मैंने तुम बताया अक्वाटिक होंगे यस डेड एंड डिकेंग्स

सेक्सुअल स्पोर है ठीक है कैसे बनेगा दो गैमीट के फ्यूजन से द गैमीट अगर सिमिलर हुए तो आइसोगेमस और डिसिमिलर हुए तो उगेमस और एन आइसोगेमस सम कॉमन एग्जांपल म्यूकर एंड राइजोपस राइजोपस तुम्हें पता है है ब्रेड मोल्ड और आइसोगेमसम्पलोपो पैरासिटिक ऑन द मस्टर्ड वाइट मस्टर्ड कॉज करती है सरसों को खराब करने वाली फंजाई कौन सी है आपकी एलब्यूगो यस बेटा क्लियर हो गया फाइकोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस बेटा प्रहलाद एक ना चीज होती है एक तुम ना बड़ा ही सिंपल बेसिक चीज भूल रहे हो किसकी भूल रहे हो यूट्यूब की यूट्यूब में बेटा लाइव सेशन तो होते हैं लेकिन मान लो आपका कुछ मिस हो जाता है या आपको समझ नहीं आया आपको दोबारा सुनना है आप बेटा कर्सर को पीछे भी क्लिक कर सकते हो है ना कर सकते हो ना थोड़े से पीछे

कोई बात नहीं पीछे से दोबारा चालू कर लो यही ब्यूटी है बेटा ऑनलाइन की यही ब्यूटी है यार कि जितनी करे बेटा उतना उतना सुनो सुनो ठीक है उतना सुनो। चलो। है चलो सबसे मोस्ट कॉमन अब इसके बारे में बेटा याद रखिए इनके लाइफ साइकिल में हमने अभी किया डाईटिक माइसीलियम होगा किया कि नहीं किया दिखा दो

ठीक है दो न्यूक्लियस बना दो क्योंकि एन एन दो न्यूक्लियस होते हैं जो कि जेनेटिकली डिसिमिलर है जी, बना दिया। अब ये क्या करता है इसके में से एक क्लब यानी कि गुच्छा टाइप का आप इमेजिन कर सकते हो है ना इस टाइप का स्ट्रक्चर बेटा बाहर निकल आता है सिचुएशन क्या हो जाती है सिचुएशन ये हो जाती है इसके माइसीलियम में से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बेटा बाहर निकल आता है क्लब शेप इसका नाम है, है? है, है. ठीक है अब बेटा ये बेसिडियम बनने के बाद इस बेसिडियम के अंदर इसके दो न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज क्या आती है कि बेसिडियम बनने के बाद ये देखो बेसिडियम बेसिडियम अब जाकर ये दो न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और क्या बना लेंगे बना लेंगे जो कि टू एन तो बेसिडियोमाइसिटीज में डायकेरियन वाली स्टेज में क्लब शेप स्ट्रक्चर वहां से बाहर आ जाते हैं जिनको हम बेसिडियम बोलते हैं और इनके न्यूक्लियसिस का डिफ्यूजन फ्यूजन बेसिडियम के अंदर होता है मतलब इनकी प्लाज्मोगेमी के बाद ये सिचुएशन आई

क्या प्लॉइडी लेवल होगी बेटा बेसिडियोस्पोर की एन क्या प्लॉय लेवल होगी बेटा जी बेसिडियो की एन ठीक है जी ये कैसे बने? है, क्योंकि के बाद बने. ठीक है? ठीक है? <laughs> बाहर बने हैं तो एक्सोजीनस है ठीक है एक्सोजीनस है अब कुछ सवाल पूछ लो अगर तुमसे कोई पूछे अगर तुमसे कोई पूछे बेसिडियो बेसिडियो में कहां होती है बेसिडियोसिटीज में व्हाट इज द साइट ऑफ केरियोगेमी ये बेटा क्वेश्चन का आंसर दो बेसिडियोसिटीज में व्हाट इज द साइट ऑफ केरियोगेमी तो तुम बोलोगे प्लाज्मोगेमी के बाद जो केरियोगेमी होती है वो बेसिडियोसिटीज में बेसिडियम के अंदर होती है ठीक है इन साइड द बेसिडियम न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बेसिडियम के अंदर देन बेटा कोई सवाल पूछे व्हाट इज द साइट ऑफ मियोसिस

ओके जी एन होगा अब यार बहुत सारे बेसिडियम का गुच्छा जैसे मैंने तो बेसिडियम बनाया था कैसा बेसिडियम बेटा शेप नीचे गुच्छे की तरह यू you नो know, नीचे ऐसे इनवेजिनेशन uh, की तरह एक नीचे बाहर को निकला हुआ अब बहुत सारे बेसिडियम का गुच्छा जैसे ये देखो ये देखो बेसिडियम है इनके गुच्छे एग्रीगेशन ऑफ द बेसिडियम दिस एग्रीगेशन इज कोल्ड एस फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द बेसिडियो जिसका नाम है बेसिडियो कार्प अगला टर्म आ रहा है ये ये क्या है? है बेटा इन्हीं का का गुच्छा दिस इज द बेसिडियो कार्प एंड इट इज द फ्रूटिंग बॉडी ये है बेटा इसकी फ्रूटिंग बॉडी ठीक है डिफरेंस समझे डिफरेंस समझे कि बेसिडियो कार्प बिडियम बेसिडियो स्पोर क्या क्या है बेटा है ना सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ बेसिडियोसिटीस जब डाई के स्टेज आता है, तो उससे पहले वो बनता है एक बेसिडियम बनता है नीचे क्लब शेप उसके अंदर न्यूक्लियस चले जाते हैं दोनों उसी के अंदर फ्यूज करते हैं उसी के अंदर जायगोट बनता है और उसी के अंदर बेटा जायगोट भी, भी करके क्या बना लेता है बेसिडियो स्पोर्स बना लेता है जो कि की एक, स्पोर्स है ठीक है और बहुत सारे बेसिडियम का ग्रुप जो होता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द बेसिडियो जिस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या हम रख रहे हैं बेसिडियो कार्प रख रहे हैं ठीक है बेसिडियो कार्प रख रहे हैं अब बेसिडियोसिटीज के बारे में एक बड़ी अजीब बात मैंने पढ़ाई बड़ी अजीब बात मैं खुद बता रहा हूं बड़ी अजीब बात मैंने पढ़ाई इसके बारे में कि यार इसके पास सेक्स ऑर्गन नहीं है बेसिडियो माइसिटीज के पास लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है है ना इसको भी तो एक्सप्लेन करना है बेसिडियोमाइसिटीज के पास सेक्स ऑर्गन नहीं है फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो कैसे हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन तो नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है बेटा बाय सोमेटोगेमी कैसे हो रही है सोमेटोगेमी यानी कि अपने पास कुछ सोमैटिक हाइफे हैं एक हाइफे बेटा मैंने ये ले लिया सेप्टेट होगा एक हाइफे मैंने ये ले लिया सेप्टेट होगा ठीक है मोनोकेरियॉन है एक एक न्यूक्लियस वाले हैं ये लीजिए एक एक न्यूक्लियस वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मुझे कुछ सोमैटिक हाइफे लेने सोमैटिक समझते हो ना बॉडी के सारे सेल सोमैटिक होते हैं एक्सेप्ट जर्म सेल गैमिट को छोड़ के सारे सोमैटिक हैं। तो यार ये भी एक मोनोकेरियोटिक सोमैटिक हाइफा है सोमैटिक हाइफा है और ये भी एक मोनोकेरियोटिक सोमैटिक हाइफा है ठीक है जी बेटा यस ये दोनों मिलके ये दोनों मिलके बेटा फ्यूज कर जाएंगे और क्या बन जाएगा सेप्टेट डाइकेरियोटिक स्टेज ये बन जाएगा डायकेरियोटिक माइसीलियम डाइकेरियोटिक माइसीलियम दो दो न्यूक्लियस लगा दूं एक ब्लू वाला लगा देते हैं और बेटा एक ग्रीन वाला लगा देते हैं ऐसे होती है बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब सोमैटिक मोनोकेरियोटिक हाइफे जुड़ के डायकेरटिक माइसीलियम बना लेते हैं बेटा ये डायकेरियोटिक माइसीलियम में फिर क्या हो गया नीचे को बेटा क्या बनेगा बेसिडियम बनेगा ये दो न्यूक्लियस घुस के मेसिडियम में जाएंगे जाके फ्यूज हो जाएंगे उस बेसिडियम के अंदर बेटा इन दो न्यूक्लियस की क्या होगी मियोसिस होगी मियोस होकर क्या बना लेंगे मियोस्पोर बना लेंगे ठीक है बेसिडियोस्पोर जिसको बोला है, बना लेंगे ठीक है जी यस yes. तो इस तरीके से बेटा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी में दिया हुआ है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सोमी सोमैटिक माइसीलियम जुड़ते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ठीक है एग्जाम्पल

सीरियल्स में बीमारी कॉज करती है ठीक है नेक्स्ट बेटा यूस्टी लेगो इससे बाहर एग्जाम्पल नहीं आएगा बेटा ये स्मार्ट फंजाय है दिस इज अ अमार्ट फंजाय देन आएगा पफ बॉल्स पफ बॉल्स ठीक है देन तुम्हारे पास आ जाएगा मशरूम मशरूम तो तुम्हें पता है अगैरिकस ये तो तुम खाते हो किस किस को मशरूम पसंद है बेटा एडिबल फंजाई है है ना हम पास्ता में डालते हैं पिज्जा में डालते हैं मशरूम की सब्जी बनती है मशरूम दो प्याजा है ना बहुत सारी सब्जी बनती है ब्रैकेट बन जाए शाही मशरूम भी तो बनते हैं आई लव मशरूम ठीक है डरमा ओके जी तो ये आपकी हो गई एग्जाम्पल ये आपकी हो गई एग्जाम्पल बेटा जो नाम एनसीआर ने दे दिए वो तो इंपॉर्टेंट है तो देख ले एनसीआर ने क्या दिया चलो देख ले NCRT ने क्या दिया यस टी में देख लेते हैं ये देखो बेसिडियो माइसिटीज पहले पढ़ रहे हैं हम ऐस बाद में पढ़ेंगे कॉमन फॉर्म ऑफ बेसिडियो आर मशरूम ब्रैकेट फंजाई भी लिख लिया हमने पफ पॉल्स भी लिख ठीक है जी तीनों चीजें लिख ली कहां ग्रो करेंगे सॉइल पे लॉग्स पे ट्री स्टम्स पे ये हमने डिफरेंस में और टेबल में लिख लिया था ठीक है

बेटा आपके नोट्स ऐसे बन जाएंगे कि उसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे लिए हल्बा ऐसे निकलेगी ऐसे एनसीईआरटी ठीक है जी यस सेक्स ऑर्गन अब ध्यान देना बेटा अभी मैंने तुम्हें तो बताया इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बट प्लाज्मो इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स यानी कि आपने सोमैटिक सेल को फ्यूज करा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा ली इसको हमें बोला सोमैटोगेमी क्या बोला था बेटा इस प्रोसेस को मैंने सोमैटोगेमी अभी एक्सप्लेन किया तुम्हें है ना याद आ गया दो सोमैटिक सेल को जो कि डिफरेंट स्ट्रेन के मान लो एक प्लस स्ट्रेन है उनको फ्यूज करके तुमने इसकी लेकिन organ इसके पास नहीं है हमने देखा एक सेल के पास दो न्यूक्लियस आ जाएंगे ठीक है विच अल्टीमेटली राइज टू बेसिडियम ये जो नीचे को आया था क्लब शेप दैट इज बेसिडियम टेक्स प्लेस इन बेसिडियम ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें तो पूछे

तो यार हम कभी भी फंजाई अच्छे से नहीं कर पाते ठीक है ये भूमिका बनानी बड़ी इंपॉर्टेंट थी तो पहले बेटा मैंने तुम्हें इस तरीके से भूमिका बनवाई फिर मैंने तुम्हें लिखवाया कि क्या होती है क्या होता है क्या होता है कार्प, क्या होती होती है 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 होता होता बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी ठीक है ये बेसिक डिफरेंस हमारा लिखना बड़ा जरूरी था ताकि हम इसमें आगे बढ़ पाते ठीक है इससे ज्यादा डिटेल बेटा फंजाई का नहीं करना थक तो नहीं गए है यार थक तो नहीं गए डिटेरो पड़ा अभी और हमारा यस एस्को एंड वायरसेस पड़े हैं ठीक है ये फिर हम कल कर लेंगे आज तो यार तुम मुझे लग रहा थक गए हो मैं भी थक गई हूँ यार यस इट्स टाइम टू ईट नाउ भूख लग रही आई नो बेटा इतना समझ आ गया तो फटाफट -फड़ से लाइक कर दो अगर आपको इतना समझ आ गया ना बेटा फटाफट से इसको लाइक कर दो। सेशन को लाइक करके बताइए बेटा इज दिस क्लियर और नॉट इज दिस क्लियर और नॉट बता दो हां जी फटाफट से लाइक करके बता दो यार ताकि मैम को भी समझ आ जाए है ना ये सारी फाइल मैं तुम्हारे साथ अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ये आधे एक घंटे में आ जाएगी है ना यस चलिए तो आ, बाकी का बेटा पोर्शन फिर हम कल करेंगे कल हमारी क्लास एक ही घंटे की होगी क्योंकि दो फंजाई बच जाएंगी और वायरसेस के बारे में बात करनी है तो वो भी कर लेंगे हम प्लांट किंगडम तो अलग से चैप्टर है एनिमल किंगडम भी अलग से चैप्टर है एनिमल किंगडम जो पढ़ना चाहता है बेटा वो गूगल पे डाले लिंक ट्री लिंकरी से पाओजा से जाके कर सकता है बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ बेटा मैं पहले प्लांट किंगडम कराऊंगी ठीक है चलो बेटा आप जानते हैं नीड यूजी में हमारे पास 52% ऑफ उफ वाला ऑफर चल रहा है प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में नया बैच बेटा मेरा आ चुका है जिसका नाम है ऑल स्टार बैच ये बेटा 5 मंथ

कि तुम एक ही बैच में पढ़ते रहोगे बेटा कल को यहां पर रिविजन बैच आएंगे कल को क्रैश कोर्स आएंगे वो सब कुछ तुम इसी सब्सक्रिप्शन से देख सकते हो यानी कि इत सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर वन बैच नॉट फॉर वन सब्जेक्ट नॉट फॉर वन टीचर It is a of whole Puri neat ka बेटा, तो बेटा तो हमारे यहाँ हर संडे कोई ब्रेक नहीं है इसमें फोर लेवल ऑफ डाउट सॉल्विंग है फोर लेवल क्लास के दौरान लाइव क्लासेस होंगी यू कैन टॉक टू मीन रेज एंड फीचर ठीक है आप इस तरीके से समझेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपका एक माहौल बनेगा यार एक सीरियस बच्चों पढ़ने का माहौल ही अलग होता है मेरी एवरीडे क्लास होती है बेटा इसमें इसमें बजे आप लोग एनरोल कर सकते हैं बाकी बेटा अन अकेडमी का सेंटर जनकपुरी में भी खुल चुका है दिल्ली में अगर आप एनरोल करना चाहें तो वहां भी मैम का कोड तो यार चलता ही है लगा देना ठीक है बाकी अन अकेडमी सेंटर अभी फ्यूचर में प्लान करेंगे तो आप अपनी यू नो सीट को प्री बुक कर सकते हैं जस्ट विद विदीज कोड क्या लगाना है सी प्लाइट अगर आपका मन है कि यार मैं मैं अगले साल ऑफलाइन जाऊंगा अभी ऑनलाइन करना चाहता हूँ तो सीट बुक कर लो अपनी ठीक है कितने रुपीज में 99 नाइन रुपीज में और बेटा की प्रोफाइल में आ जाओ ऐप पर आ जाओ ऐप पे बेटा आप अपने साथी गणों के साथ साथी साथीगन यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ कंपीट कर सकते हो बैटल्स में एक केबीसी टाइप गेम होता है बेटा आपस में आप एक दूसरे को चैलेंज करिए कंपीट करिए और सीखिए क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस्ड चैलेंज है बेटा आप कहो की हाँ प्लांट फिजियो आ जाए प्लांट फिजियो में कंपीट करते हैं देखते हैं कौन जीतता है तो यार बहुत सारे कंपीट के ऑलरेडी हो चुके हैं आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हो ऐप पर कैसे जाना है लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है जी चलिए कल मिलते हैं बेटा कल कितने बजे मिलेंगे कल हम मिलेंगे बारह साढ़े बारह बजे और चैप्टर को कर देंगे समाप्त ठीक है चैप्टर विल बी ओवर टुमारो ओके बाय बाय गाइस टेक केयर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना ठीक है आई पर्सनली रीड ऑल द कमेंट्स थैंक यू